स्वागत है आप सभी का 2023 में। आई होप आप सभी को 2022 बहुत ही बेहतरीन साल गया होगा। कुछ लर्निंग्स रहेंगे आपके, जो भी लर्निंग्स रहेंगे प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि 2022 में आपने ऐसी क्या नई चीज़ें सीखी अपनी लाइफ को लेकर, कि जहां से आपने सोच लिया कि ये चीज़ मैं मेरी लाइफ में रिपीट नहीं करूँगा, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। नए साल के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल गोल सेटिंग, रेजोल्यूशंस, इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में, क्योंकि हम कितने भी गोल सेट करें, रेजोल्यूशंस बनाएं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप अपनी लाइफ में जो चीज़ पाना चाहते हो वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, रेजोल्यूशन बना लेते फर्स्ट जनवरी को, हार्डली 10 से 15 जनवरी तक वो रेजोल्यूशन उनको याद रहता है। 3 महीने के बाद में अगर पूछा कि आपने 1 जनवरी को क्या डिसाइड किया था, उनके माइंड में वो पिक्चर भी नहीं आता और क्या उन्होंने रेजोल्यूशन बनाया था वो भी उनको याद नहीं आता। सो याद रखिएगा, अगर आपके अंदर वो बर्निंग है जो भी चीज़ आपको अचीव करनी है, तो उस बर्निंग डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए आपका माइंडसेट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो इस 2023 में मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताने वाला हूँ कि जिनकी मदद से आप अपना माइंडसेट एकदम करेक्ट डायरेक्शन में रख सकते हो। सबसे पहली टिप है कॉम्प्लीमेंट। जब आप दूसरों को एप्रिशिएट करते हो तभी आपको भी एप्रिसिएशन मिलता है। सो याद रखिएगा, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करना सीखिए। जब भी आपके घर में आपकी मम्मी या फिर आपकी वाइफ अच्छा खाना बनाती है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट देते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप नहीं दे रहे हो तो आज से शुरुआत कीजिएगा। देखिए उनके चेहरे पे जो एक स्माइल आती है ना, वो स्माइल करोड़ों की होती है। आज से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेकेंड जो टिप है वो है लर्निंग। हम लोग जब अपनी एकेडमी या फिर स्कूलिंग जब हम ख़त्म कर देते तब हम अपनी लर्निंग्स छोड़ देते पूरी तरीके से। हमें ऐसे लगने लगता है कि हमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये चीज़ बहुत ही गलत है। याद रखिए, जब आपने अपनी स्कूलिंग ख़त्म की तब उसके बाद में अपनी नई स्किल क्या सीखी, तो आज से डिसाइड कीजिएगा कि हर 3 महीने के अंदर आप ऐसी एक नई स्किल डेवलप करोगे कि जो आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। सो हर 3 महीने के अंदर एक नई स्किल, पूरे साल के मिलाकर 4 नई स्किल। देखिए आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा इससे बढ़ोतरी होगी। अगर आपका इनकम ग्रो कर नहीं पा रहा है, आप कहीं पर आकर स्टक हो गए हो, तो याद रखिएगा कि आप अपनी लर्निंग्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने लर्निंग्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपका इनकम ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, अपनी लर्निंग्स के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 3rd टिप है डिटॉक्सीफाई नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ। इसका मतलब आपको भी पता है कि कौन नेगेटिव लोग आपके लाइफ के अंदर है। अगर कुछ उदाहरण से आपको समझाऊं, तो वो लोग जो आपको डीमोटिवेट करते रहते हैं। आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हो, आप उनके पास वो आइडिया लेकर जाते हो और उसके अंदर वो हमेशा खामियां निकालते हैं। तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम तो कर ही नहीं सकते। जो लोग आपसे इस तरह से बातें कर रहे हैं प्लीज़ उनसे दूर रहिएगा। जो आपको हमेशा डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं वो लोग आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आपको पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। सो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। याद रखिएगा, एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं हो सकती। जब आप नेगेटिव लोगों को दूर कर लेते हो आपके लाइफ में पॉजिटिव लोग आना शुरू हो जाता है, और आप अपना जो एनवायरनमेंट है जब पॉजिटिव रखोगे तभी आप भी अपनी लाइफ में आगे तरक्की करना शुरू कर दोगे। सो 3rd टिप है डिटॉक्सीफाई नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ। 4th टिप है 10 मिनट का मेडिटेशन। आप कहोगे ये क्या बात होगी, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेडिटेशन? रुकिए, समझाता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया, वहाँ पे पाया गया कि एक आदमी दिन में लगभग 60,000 थॉट जनरेट करता है, उसमें से 54,000 थॉट्स नेगेटिव होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग नेगेटिव सोच रहे हैं तो हर एक चीज़ के अंदर हम हमेशा खामियां ही निकालेंगे। अगर आपका माइंडसेट ही पॉजिटिव है, आप हर एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की नज़र से आप देखना शुरू कर दोगे। याद रखिएगा, मेडिटेशन ये एक ऐसी कला है जो आपके माइंड को आपके कंट्रोल में लाती है। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, अपनी लाइफ में जो पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रोकेस्टिनेशन आपकी लाइफ से दूर होना चाहिए, तो आपका माइंड आपकी कंट्रोल में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, 10 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन है अगले 21 डेज के लिए, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा। आने वाले दिनों के अंदर जो भी मिरेकल्स रहेंगे कमेंट में आकर ज़रूर बताना। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्रैवल इन नेचर। ये क्या कहा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अपना एक ट्रैवल बजट डिसाइड कीजिएगा, वो भी मिनिमम हर एक महीने के अंदर नेचर में जाइएगा। जब आप नेचर के अंदर जाते हो तब आप अंदर से पॉजिटिव फील करना शुरू कर देते हो। आजकल की इतनी भागा दौड़ी भरी दुनिया है जिसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस का शिकार हो चुके हैं। जब आप नेचर में जाते हो, बर्ड्स की वो आवाज़ सुनते हो, नेचर में जो अरोमा है उसको जब आप फील करते हो, आप ऑटोमेटिकली काम एंड पीसफुल होना शुरू हो जाते हो। खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप भी एक्सपीरियंस कीजिएगा। कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अपना बजट डिसाइड कीजिएगा, वो भी मिनिमम। और एक इसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल खुद के लिए कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने के लिए बिल्कुल ट्रैवल मत कीजिएगा। आजकल बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। सो याद रखिएगा, खुद को बेटर फील करने के लिए ट्रैवल कीजिएगा। सो ये 5 ऐसे बेहतरीन टिप हैं जो आपको 2023 में आगे बढ़ने के लिए, आपका माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको ज़रूर मदद करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमने मोटिवेशनल सोल्स का एक ऐप लॉन्च किया है जो कि अभी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उस ऐप के अंदर हमने 5 डेज का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके अंदर आप अपना माइंडसेट पॉजिटिविटी के लिए किस तरह से डेवलप कर सकते हो, अपने लाइफ में आप हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हो लेकिन किस तरह से रह जाए, बहुत ही सिंपल 5 टेक्निक्स इस प्रोग्राम के अंदर हमने डिस्कस किए हैं। जल्दी से जाइए, रजिस्टर कीजिए। ये 5 डेज का प्रोग्राम अगले 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए हमने नॉमिनल चार्जेस पे आप लोग के लिए अवेल किया है। जल्दी से जाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के मेडिटेशन भी मिलेंगे, उसका ज़रूर फ़ायदा लीजिएगा। सो मिलते हैं अगले ऐसे ही एक बेहतरीन वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।